बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारे इस तरफ जानवर हैं, वो देखें, ये देखें आप, बहुत प्यारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये उन्होंने अपना बनाया हुआ है सारा पूरा सिस्टम। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, बहुत प्यारे जानवर हैं। ये खुदा की कुदरत है कि देखें कितने तेरे प्यारे छोटे छोटे जानवर, ये देखें ये बड़े, ये माशाल्लाह जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये हमारे पीर साहब हैं, ये उनका डेरा है और बहुत प्यारे जानवर उन्होंने रखे हुए हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हर आफत से बचा के रखे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ, ये गांव कसूर के रास्ते में है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इस एरिया में जो है मेरे हाल से जो आता है ना उसका जो है ना इस जगह पे दिल जो है ना लग जाता है, क्योंकि विलेज के तो हर कोई दीवाने हैं, हमारा पाकिस्तान किसी खूबसूरती से कम नहीं है। दूर दूर तक देखें हरियाली बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के लोग भी बड़े पुरअमन हैं, यहाँ की हरियाली और सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये कौन सा आ जाता है, ये कौन सा इलाका आ जाता है? ये पता नहीं भैया, हम करोड़पक्का से आए हैं। कहाँ से आए हो? करोड़पक्का से, जिला लोधरा से। यहाँ पे पीर साहब के आप? हाँ, दामकरण। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? 64 दिन। किस मसले में आए? कैसर आपको? हाँ, हो गया, थोड़ा बेहतर हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आ रही है, कश्मीर से हैं। हाँ, ये हमारे वालद साहब को भी है, कैंसर है, ट्यूमर है, इंशाल्लाह तो कम खत्म हो गए, इंशाल्लाह 7 दम लगातार। हाँ, 7 दम लगातार ही कर, आज चौथा दम था मेरे वालद साहब का। तो मोशन वगैरह उल्टियाँ वगैरह आई हैं आपको? नहीं आई। अच्छा, इन्होंने कहा था वैसे नहीं कि आएंगी? नहीं आए। अच्छा अच्छा, अभी शुरू होने लगे हैं। हाँ, खेत भी आ। चलो, अल्लाह पाक कुल आलमीन पे करम करे, हमारी तो दुआ है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आमीन आमीन, बस दुआओं में याद रखें, दुआओं की जरूरत है सबको बस। अच्छा मेरे दोस्तों, ये माशाल्लाह इतनी दूर से आए हुए हैं, आपने अभी सुना है और मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके वालदे मोहतरम को फर्क पड़ जाएगा। जी दोस्तों, ये लोकेशन है बहुत ही प्यारी। इस एरिया में आप देखेंगे कि माशाल्लाह एक तो हरियाली और एक तो ऐसे खामोशी सी है, खामोशी भी ऐसी है कि माशाल्लाह ऐसे सब्ज़ा को देख कर ना बंदा एकदम से एक अपने आप को सोचने लगता है। ये एक किसी ने अपना घर बनाया हुआ है, ठीक है, छोटा सा, हमें छोटा लग रहा है लेकिन ये पूरी हवेली है। ये आप देख सकते हैं, ये सरसों का पौधा लगा हुआ है, ये माशाल्लाह इतने प्यारे खेत, इतने प्यारे सब्जे से भरा पड़ा है ये गांव। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे लिए दुआ गो रहा करें कि अल्लाह पाक मुझे
कामयाबी दे और अल्लाह पाक मुझे नज़र बस से बचा के रखे, क्योंकि आप दोस्तों का मेरे साथ अगर तावन है, आप दोस्तों की सपोर्ट है, तो मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक अपना करम करे। अल्लाह पाक जो होता है ना, वो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक इम्तहान होता है। अल्लाह पाक मुझे इसी इम्तहान से निकाले, ठीक है, और कामयाबी अता फरमाए आप दोस्तों के तावन से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं YouTube पर बार बार आता रहूँगा, और मेरे चैनल को जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए होते हैं वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इंशाल्लाह जल्दी से अपलोड करूँगा, और मुझे अपने दुआ में याद रखें, जो नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी से बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा बेटा आ गया है, थक गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। हमजा थक गए हो आप? ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। क्या बुढ़ा ले गया? ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।